कम से कम 60 से 70 साल पुराना दुकान है ये, हमारे बाप दादा से लेकर हम तक यहीं पर आते हैं। कि आप लोग सोच रहे हो कि लाल कपड़ा और हरा कपड़ा क्यों ले रहे हैं, तो आप लोग उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज जो है मुहर्रम की 8वीं तारीख है और मुझे जाना है पिछड़वा, क्योंकि कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो मतलब लाना है और लाएंगे तो हम आपको अपने वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद बुराज में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बारिश का दौर शायद ख़त्म हो चुका है, बस 3 दिन के लिए। हो सकता है कि इंशाल्लाह 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उसके बाद में फिर बारिश होगा, लेकिन ये तो अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह ताला जब चाहे जब बारिश कर सकता है और जब चाहे बंद कर सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों की मतलब जो दुआएं हैं वो यही है कि अल्लाह ताला मुहर्रम तक बारिश ना हो और हम लोगों का मुहर्रम बढ़िया से हो जाए। हम थोड़ा सा दिखा दें आपको कि किस तरह का मतलब धूप खिला हुआ है और इस धूप में लोग कैसे ढोल तासे और उसके बाद में जलूस में चलेंगे। भाई कितना खतरनाक का धूप हो रहा है, आपको पता ही होगा इस तरह का धूप है। और हमारे घर के सामने मुहारे पे ये चौका है, तो हम चलते हैं अभी पचपड़वा और हमारे साथ में वो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैठ कर अभी नाश्ता कर रहा है, नाश्ता कर ले उसके बाद भी फिर निकलते हैं। और थोड़ा सा जलूस हम पचपड़वा का भी आपको दिखाएंगे। और हर साल ताजिया का जिम्मेदार यही बंदा है, देखिए सामने जो खड़ा है, यही लाता है। कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, खाखादी से यही लाएगा। तो इस साल आप कहाँ से लाएंगे? खाखादी से। हर साल वहीं से लाते हैं? तो इस साल मतलब कितने में मतलब तय किया? मांगने का तो वोट मांग रहा था। हाँ। लेकिन वोट जानों हिसाब से दे दिया है। अच्छा चलिए ठीक है, रेट की कोई मसला नहीं है, रेट मत बताइए वो बढ़िया है। और ये बच्चे लोग देखिए हमारे घर पे, ए लड़ाई झगड़ा ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो तो बहुत मारवे का जान लियो, ठीक है? हाँ बस खाली शांति के साथ रहो। कल हमारे मोहल्ले वालों ने मतलब मिलकर काफ़ी मेहनत किया, देखिए बहुत मेहनत किया भाई इस रास्ते को बनाने के लिए, ये देख सकते हैं। और वहाँ तक मतलब बना दिया गया, इधर वाला रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह का है, इधर वाले का तो कहना ही नहीं, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, पानी भरा रहता है तब। आओ जल्दी आओ, और अगर इसी तरह से मेहनत कर दें और वहाँ तक के मतलब हो जाए तो समझ लीजिए कि हम लोगों के आने जाने के लिए ही जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। या कब तक काबले सहारा पर यहाँ बैठा रहा भाई, सारा देखा था यही में यहाँ हल हल जाए पड़ है, या ये तो समझो कि 24 घंटा हो गया है बारिश नहीं हुआ है, तो यह नाटे यही मेरे के देखाट है, नहीं तो निकल दुश्वार रहा था कि हम लोग निकल जाए यहाँ से, इतना ख़राब है ये। बाकी वहाँ पर यहाँ तो पानी डूबा रहा रहा दिखाई थे हम, या यहाँ पर पानी एकदम से भरा रहा रहा। मोहल्ला भरे जब तैयार भया हैं तो प्रधान के मतलब थोड़ा सा हमदर्दी भवा हम लोगों के ऊपर, तो यह नाली निकलवाई दी नहीं। अब यह जो पानी डूमत रहा ये पानी ही नाली के जरिए से ही अपन वह नलिया से होकर वही गढ़ा में चला जाता है, वहाँ गढ़ा है बहुत बड़ा, देखो ये पूरा एकदम पानी भरा रहा। कैसे हम लोग आवा जाते हैं, कैसे जावा जाते हैं, हमारे सब समझ सकित है। बाकी पचपड़वा चीज है और दिखाई थे आप लोगों के यहाँ, आओ जल्दी आओ, आ जाओ। हम कहाँ बैठे हैं? हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है, जगह है बहुत, चलो तो चल रहे भाई साहब पचपड़वा। और पचपड़वा में जलूस उठा होगा, अगर होगा तो दिखाएंगे, नहीं होगा तो समझो कि नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि मतलब जलूस इस टाइम है कि नहीं है। अब 24 घंटा पानी नहीं बरसा है तो 24 घंटा में टाल पोखरा के हालात देख सकते हो, खेत के हालात देख सकते हो, पूरा एकदम से सूख गया, यानी पानी नजर नहीं आ रहा, यहाँ देख सकते हो यहाँ। जल्दी बढ़ा जल्दी बढ़ा, गटा बंद होने वाला है, जल्दी चल जल्दी चल। अरे अब भाई घमोम रुके करी भैया हमार भैया भैया बस बंद कही थी, दांता बजाई थी यार, क्या बताइए अब हम कहने रुक जाए यार भाई 2 मिनट और यार, कबरे निकल जाए थे।
अब रुका ही पड़ी यहाँ। अरे अरे हाँ, वही हुई भैया, वही हुई। तो ये गेट इसलिए बंद किया गया था कि इसमें मतलब आयल वायल डालने से ट्रेन नहीं आने वाली थी, कि थोड़ा सा फ्री हो जाए डाउन होने में और उसके बाद में उठने में, इसीलिए फ्री टाइम रहते हैं तो यही काम करते हैं सब, कि हर चीज़ का देखभाल कैसे सुरक्षित रहे, कैसे ठीक ठाक रहे, तो ज़रूरी है ये चीज़। बाकी ट्रेन का कोई टाइम नहीं है। और हम पहुंच चुके हैं पचपड़वा। दरअसल सबसे पहले मुझे ये डीजे वाला काम करवाना है, जो देखिए यहाँ पर है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही इसकी। और दूसरा चीज़ है कि मतलब इसका वायर जो है ना, वायर कटा है, तो वो दोनों चीज़ मतलब ठीक करवाना है मुझे। बाकी आप देख सकते हैं बड़ा करोना। गाड़ी यही रोको, बुला है बंद है, वह बाहर आगे है, आगे 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 यहाँ यहाँ ले आओ। फाइनली डीजे वाला काम हो चुका है, तो सीधे चलते हैं पुरानी बाजार और देखते हैं कि जुलूस कहां पर है और कहां तक पहुंचा है। वो चीज़ दिखाने के बाद में फिर हम वापस आएंगे और आगे का सीन देखते रहिए आप लोग। माफ़ करना मेरे दोस्तों, मैं जो सोच के आया था वो तो हुआ नहीं, जुलूस एकदम से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लेट मैं आया हूँ और बज रहे हैं 11:30 दिन के, तो इस टाइम तो रहेगा ही नहीं। धूप इतनी तेज़ है, धूप की वजह से हो सकता है कि जल्दी ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन अब ये चीज़ शाम को देखने को मिलेगा, तो शाम में नहीं देखा पाएंगे। मैंने पॉलिस्ट, हाँ ये ठीक तो लागत है यार, देखे नहीं। हाँ थोड़ा जैसे बस जो ना, अरे यार तू बनवा चांदनी। पचपड़वा का सबसे पुराना दुकान है ये, कम से कम 60 से 70 साल पुराना दुकान ये, देख सकते हैं आप। इसके अलावा और किसी का दुकान नहीं था पूरे मार्केट में। ये हमारा भांजा है, देखिए कॉस्मेटिक के दुकान, कोहर गड्डी से चल के यहाँ पर आया है, मारवाड़ी मोहल्ला में। यहाँ वीडियो अगर देखो तो यहाँ पर जरूर आए बाजी, बाकी सारा सामान देख सकते हो। और पचपड़वा के वस्त्रालय वाला दुकान सबसे पुराना, कम से कम 60 से 70 साल पुराना दुकान है ये, हमारे बाप दादा से लेकर हम तक यहीं पर आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। कि आप लोग सोच रहे हो कि लाल कपड़ा और हरा कपड़ा क्यों ले रहे हैं, तो चलकर हम घर बताएंगे। सब बहुत पुराने स्टाफ है यहाँ के, देख सकते हैं। क्या बता मोरिया, क्या बात है, चलो खा लो भैया, कटो लेने खा लो, चल बे चलो। फिर ठीक है, थोड़ी अब तो जल जाइए एकदम से। चल भैया देख लो भैया, पहचान लेने सबका, बहुत पुराना हमारे जान लो पहचान वाले हुए हैं, जोड़ीदार जगह कहाँ थे, लेकिन क्या करें अब, हम किस्मत ने अलग अलग कर दिया, सब अपने अपने काम में लग गए, किसी को कोई फुर्सत ही नहीं है। लेकिन बहुत पुरान पहचान कर रहे भाई, तो यह नाते रुके पड़ा यार, चलो 10-5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है, मुलाकात हो जाता है भाई। बाजार चौराहा देख सकते, तो हम अपना कैप वहाँ दुकान पर छोड़ आए थे, तो ये लोग जा रहे हैं लेने के लिए, तब तक मैं चौराहे पर पैदल चल रहा हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है, और कपड़ा लेना था कपड़ा भी ले आए। कपड़ा किस लिए लेके आए हैं, क्योंकि भाई इसका बनवाना है चांदनी, जो मतलब हर साल मेरे ही तरफ से रहता है, तो पिछले साल था तो वो मतलब फट गया था, तो उसको मतलब चेंज करना था, तो इसलिए गए थे हम। और दूसरी बात हम बता दें कि मतलब धूप इस कदर की है कि भाई बता नहीं सकते हैं, अगर ये धूप नहीं होगा तो लोगों को एहसास कैसे होगा कि हाँ, मतलब सोचिए मेरे दोस्त, उस दिन करबला के मैदान को जब हमारे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में थे, और इस कदर की धूप थी, प्यास की शिद्दत थी, इसीलिए हमने कई बार एहसास किया है, कई बार महसूस किया है, क्योंकि मैं गर्मियों में भी मुहर्रम देखा है, मैं सर्दियों में भी मुहर्रम देखा है, लेकिन सर्दियों में जिस दिन 10वीं तारीख होती थी, 9वीं तारीख होती थी, भले ही ठंडियां हो रही हों, लेकिन उस दिन गर्मी का एहसास होता था। खैर,
इस टाइम तो गर्मी ही है। आप सोच सकते हैं कि जब मुझसे ये धूप और ये गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है, तब बताइए कि उस टाइम जब हमारे इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में थे और ये धूप और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे और यजीदियों से लड़ रहे थे, बताइए क्या आलम था। इसीलिए हमें सोचना चाहिए और उनकी याद में हमको 9वीं से लेकर 11वीं तक रोज़ा रखनी चाहिए, क्योंकि इस रोज़े का महत्व इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला पूरे साल का गुनाह हम सबको माफ़ कर देता है। बस इस धूप के बारे में मैंने थोड़ा सा बयान किया हूँ जो मुझे जानकारी थी, अगर कहीं पर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और कमेंट में आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं बता सकते हैं। बाज़ार गए थे, बाज़ार से भी पहुँचे हैं क्योंकि चांदनी का कपड़ा लेना था, कपड़ा लेकर आए हैं उसको सिलवा रहे हैं, वो सिल जाएगा। हमारे ही घर से मतलब चांदनी लगाई जाती है, नीचे ताजिया रहता है, तो पिछले साल वो फट गया था, ख़राब हो गया था, तो करबला में उसको मैंने जो गांव गांव का करबला होता है तो ऐसे हमारे गांव में भी करबला है तो वहां पर उसको मैंने दफन कराया था। फिर इस साल मैं नया लेके आया हूं और नया चांदनी बन रहा है। तो चलिए आगे का जो कुछ होता है वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं जो कुछ है। पचपड़वा गए थे, लेकिन पचपड़वा में भाई वो जलूस अब देखने को नहीं मिल रहा है जो पहले देखा करते थे। पहुँचे तो सब खत्म हो चुका था, यही बनवाने के लिए गया था। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब जो कपड़ा हम लेके आए थे और उसके बारे में हमने बताया नहीं कि कपड़ा क्यों लेके आए थे, चांदनी के लिए उसको चांदनी बनवाना था, यानी ऊपर से लगाना था चौके पर जहाँ पर मुझे ताजिया रखना है। हर 5 साल में एक बार लेना पड़ता है, 5 साल चलता है, उसके बाद में फिर उसको बदल देते हैं। तो इस साल मुझे बदलना था इसीलिए हम गए थे, वो कपड़ा लेके आए थे तो कल ही लेके आए हैं, नहीं तो लेके आए हैं तुरंत, उसको मतलब दे दिया है सिलने के लिए। सिलने के बाद में वो पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है, चौके पर भी लग गया है, चलकर हम दिखाते हैं आपको। और आज की वीडियो में आप लोगों ने जो कुछ भी देखा है, जो मैंने दिखाया है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि वीडियो हमारी कैसी लगी है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो भाई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाई। बाकी हमारे गांव का व्यू देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है। ये मगरिब का अजान हो गया है, चलते हैं सीधे घर अब हम और दिखा देते हैं आपको चांदनी, फिर वीडियो को एंड करते हैं। यही चांदनी है, यही लेके आया था मैं कल, देखिए। और ये है चौका,